हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर और क्लास 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 के साथ। तो बच्चों, पिछली बार जो वीडियो लेकर आया था मैं आपके लिए वो 9.1 थी, तो चलिए अब 9.2 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। फाइंड द सम, हमें इनका सम निकालना है। बच्चों, मैथ्स की लाइन में सम का मतलब होता है बच्चों प्लस करना। देखो, एक रैशनल नंबर ये रहा, एक रैशनल नंबर ये रहा, हमें इनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। पहले हमने इस वाले रैशनल नंबर को उतारा। एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन और ब्रैकेट के अंदर वाला साइन आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। रूल्स अगर आपको नहीं पता, मैं यहां पर लिख देता हूं। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस भी होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है आपका प्लस। बच्चों, अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो देखो प्लस ही आता है हमेशा। सेम साइन होंगे तो प्लस आएगा, और डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो रिजल्ट आता है माइनस, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया, आ गया 11/4। अब बच्चों, अगर रैशनल नंबर को माइनस करना है ना, उनका डीआर का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना। इनका जो डीआर है उसका सेम होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, आप बड़े ध्यान से सुनना। इसका देखो, इस वाले का और इस वाले का डीआर सेम है, आराम से होगा, टेंशन नहीं है बेटा। नीचे तो 4 ही आएगा, हम सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को। और जरा देखो, 5 हमारा पॉजिटिव है, देखो इधर कुछ नहीं है साइन, तो प्लस का होता है ना, लो प्लस का बना लो, ठीक है, कोई साइन नहीं तो प्लस का बना सकते हो। 5 हमारा प्लस का है और 11 हमारा माइनस का। अब जरा ढंग से समझना, 5 मुझे कह रहा है भाई प्लस कर दो, क्या कह रहा है 5 मुझे? देखो 5 का साइन ना हमेशा लेफ्ट पे देखते हैं, इसका साइन देखना है तो लेफ्ट पे, इसका साइन देखना है तो लेफ्ट पे। 5 मुझे कह रहा है भाई प्लस कर दो और 11 मुझे कह रहा है माइनस कर दो, ये दोनों मुझे कमांड दे रहे हैं, समझना बड़ी ट्रिक से। 5 मुझे कह रहा है प्लस कर दो भाई, 11 मुझे कह रहा है नहीं नहीं भाई माइनस कर दो, ये दोनों मुझे सेम कमांड दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग कमांड दे रहे हैं ना, ये कह रहा प्लस, वो कह रहा माइनस। तो जब भी हमें अलग अलग कमांड मिलती है, हम हमेशा माइनस करते हैं, याद रखना। जब भी अलग अलग कमांड आएगी तो माइनस कर रहा है। देखो, ये कह रहा है प्लस करने को, ये कह रहा है माइनस को, अलग अलग कमांड है, माइनस कर दो। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा, हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, आंसर हमारा आ गया, लेकिन आंसर पे साइन किसका आएगा? जो इन दोनों में होगा बड़ा। भाई 5 और 11 में बड़ा कौन होता है? 11 बड़ा है, तो उसके उधर माइनस का साइन है, तो हम यहां पर भी माइनस का लगाएंगे। जो रिजल्ट आता है उस पर हमेशा बड़े का साइन लगता है। भाई इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ये है, इसके उधर माइनस का साइन था तो माइनस का लगा दिया। टेंशन मत लेना, बहुत बच्चों को डाउट होगा सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 3-4 का तो मौका दो, मैं समझा के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो बच्चा, रुक जाइए, ध्यान से सुनना। अभी तो ये और रह रहा है, थोड़ा कट रहा है, देखो कट रहे हैं दोनों, 4 और 6, ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो काट देते हैं। ये कटता है 3 बारी पे और ये कटता है 2 बारी पे, अब नहीं कट रहे, तो अब इसे लिख देते हैं बच्चों हम आपका माइनस का 3/2 इज द आंसर। तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला पार्ट, यहां पर ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर दोनों का सम कर रहे हैं। यार मैंने आपको बोला था, अगर आपको इनका सम भी करना है ना, तो इनके डीआर सेम होने चाहिए। पहले वाले पार्ट में तो डीआर सेम थे, लेकिन यहां पर नहीं है। अगर डीआर सेम करना है तो आपको पता है हम ले लेंगे नीचे वालों का एलसीएम 3 और 5 का। तो 3 लेते हैं, 3 के टेबल में 3 1 बारी पे, 5 नहीं आता, 5 ले लेते हैं, ये चला गया। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 5 हो जाएगा आपका 15, एलसीएम आ गया 15। इसके नीचे भी 15, इसके नीचे भी 15, और बीच में प्लस है ना, तो प्लस बना दिया, ठीक है, सिंपल। तो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन जैसा बना था पहले। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है? 5 बारी पे आता है ना। इस 5 को ऊपर वाले 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 × 5 = 25, ठीक है। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है बच्चों? 3 बारी पे आता है। इस 3 को ऊपर वाले 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, हो गए डीआर सेम। तो चलो बच्चों, इनके डीआर सेम हो गए, अब तो बहुत आसान हो गया ये। तो चलिए, आपको पता है अगर डीआर सेम हो गए हैं तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नीचे डीआर 15 15 चल रहा है ना, तो आंसर के भी 15 ही आएगा। ऊपर वालों को देखते हैं बच्चों, 25 के इधर कोई भी साइन नहीं है, तो किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं, ठीक है। लगाना जरूरी नहीं है, मैं बाद में नहीं लगाऊंगा, पता होना चाहिए। 25 कह रहा मुझे भाई प्लस कर दो, और 9 कह रहा भाई हाँ प्लस करो, प्लस करो, ये दोनों मुझे सेम कमांड दे रहे हैं, एकदम सेम।
25 तेरा प्लस कर दो, 9 भी तेरा, हाँ भाई प्लस करो प्लस करो। तो दोनों ने सेम कमांड दिया तो हमेशा प्लस करते हैं सेम कमांड पे। अगर कमांड सेम है तो जोड़ दो, 25 और 9 को मैं दिमाग में जोड़ूंगा तो आएगा आपका 34 आ गया। अब देखना बच्चों ध्यान से, इन दोनों में बड़ा कौन है? अब यहां पर साइन किसका आएगा? इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों? 25 बड़ा, 25 के उधर प्लस का साइन है ना, तो यहां पर प्लस का साइन लगा दूंगा। और अगर नहीं भी लगाया तो भी तो प्लस का ही माना जाता है। और बच्चों ये नहीं कट रहा, ये किसी के टेबल से नहीं कटता, तो यही आंसर है 34/15। उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा वाला पार्ट हमारा, तो यहां पर देखिए रैशनल नंबर है हमारे, और यार इनके डीआर अलग अलग है, नहीं सॉल्व हो सकते भाई। अगर प्लस माइनस करना है तो डीआर सेम होना चाहिए, तो चलिए कर लेते हैं डीआर सेम। यहां पर 10 और यहां पर 15 ले लेते हैं इनका एलसीएम। यार ये दोनों किसके टेबल से आते हैं? 5 के टेबल से दोनों आते हैं, 5 के टेबल में 2 बारी में और 5 के टेबल में 3 बारी में। अब 2 को ले लेते हैं, 2 के टेबल में ये 1 बारी पे और ये नहीं आता तो 3, फिर 3 को लेते हैं, खत्म हो गया। इन सारे नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 × 2 × 3, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, ये आ गया आपका एलसीएम। तो बच्चों इसके नीचे भी आएगा 30 और बच्चों इसके नीचे भी आएगा 30। यहां पर प्लस का साइन है प्लस बना दिया, यहां पर माइनस का साइन है ना माइनस बना दिया, ठीक है साइन तो एज इट इज उतार दिया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है? 3 बारी पे आता है, तो इस 3 को ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 9 = 27, ठीक है बच्चों। अब इसे देखते हैं, 15 के टेबल में 30 आता है आपका 2 बारी पे, आना चाहिए 20 तक टेबल, ठीक है। तो इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 22 = 44। चलिए बच्चों अब देखो इनके डीआर सेम हो गए, इसे मिटा देता हूं, इनके डीआर देखो सेम हो गए। तो आपको पता है जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके उसके डीआर पे भी 30 ही होगा। अब यार 27 मुझे कह रहा भाई माइनस करो, और 44 कह रहा नहीं 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 सर आप प्लस कर दो। देखो एक कह रहा है माइनस करने को, दूसरा कह रहा है प्लस करने को, अलग अलग कमांड पे हमेशा क्या करते हैं माइनस, हम इन्हें माइनस कर देंगे, तो भाई इन्हें माइनस कर देते हैं। तो देख लेते कितना आता है, 7 आ जाएगा और 3 में से 2 गया 1, 17 भाई 17 आ गया, इन्हें माइनस कर दिया मैंने दिमाग में तो मेरा 17 आंसर आ गया, ठीक है। अब दिक्कत है यहां पर साइन किसका लगेगा, 44 का लगेगा या 27 का? जो बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का लगता है, तो बड़ा कौन है इन दोनों से? ये बड़ा है, इसका साइन प्लस का है तो प्लस का छोड़ दो। यहां पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर छोड़ दोगे तो भी प्लस का ही माना जाएगा। तो बच्चों ये नहीं कट रहे, 17/30 नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं फोर्थ वाला पार्ट, ध्यान से देखना यार, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट हो जाता है ना, तो मैं हटा ही देता हूं, हटा दिया माइनस से माइनस कट हो कट हो। अब बच्चों देखते हैं इनके डीआर सेम नहीं है, अगर रैशनल नंबर को करना है सम या फिर करना है डिफरेंस मतलब प्लस या माइनस, तो हमेशा डीआर सेम होने चाहिए। 11 और 9 का लेंगे एलसीएम। यार कोई है ऐसा टेबल जिसके टेबल में दोनों आए? नहीं, तो चलो 9 ले लेते हैं, 9 के टेबल में 11 तो आता नहीं लेकिन ये आता है, 11 के टेबल में ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 11 होता है 99, आ गया हमारा एलसीएम। इसके नीचे भी 99 और इसके नीचे भी 99, क्योंकि एलसीएम 99 है, यहां बीच में प्लस का साइन है प्लस बना दिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, 11 के टेबल में 99 आता है 9 बारी पे, इस 9 को ऊपर वाले 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 × 3 = 27। तो बच्चों इसके टेबल में ये आता है 11 बारी पे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इस 11 को ऊपर वाले 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 11 × 5 = 55। चलो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि देखो इनके ना डीआर अब सेम है, तो अब ये आराम से सॉल्व हो सकते हैं, जो भी आंसर आएगा उसके डीआर पे भी 99 ही होगा। अब देखते हैं यार 27 देखो इधर कोई साइन नहीं तो प्लस का है, 27 कह रहा है प्लस कर दो, 55 भी कह रहा भाई प्लस कर दो, तो यार ये तो दोनों सेम कमांड दे रहे हैं, ये भी कह रहा है प्लस करने को और ये भी कह रहा है प्लस करने को, तो सेम कमांड पे हम जोड़ ही देते हैं, 7 × 5 = 12, 5 × 3 = 8, 9 मैंने दिमाग में जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखना एक बार गलत तो नहीं जोड़ा, 5, 6, 7, 8 ठीक है, ओके ओके। अब आपको पता है ध्यान से देखोगे, अगर आप ये दोनों किसी के टेबल में नहीं कटते, ये दोनों के दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो बच्चों इसे उतार लीजिए, दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, तो सबसे पहले तो बच्चों देखो ध्यान से, माइनस का 8/19, ये जो ब्रैकेट है इसे हटाओ,
ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस 2/57। देखो हट गया। अब बच्चों देखो, ना तो इसका डीआर और ना तो इसका डीआर, दोनों का डीआर देखो सेम लग रहा है, ये 1957 सेम नहीं है, तो एलसीएम लेते हैं, है ना। और ये दोनों के दोनों 19 के टेबल से आते हैं, इसलिए कहते हैं टेबल आने चाहिए। 19 के टेबल में 19 वन बारी पे और 19 के टेबल में ये 3 बारी पे, 3 के टेबल में देखो चला गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 19 3 जा होता है 57, आ गया एलसीएम 57। यहां पर भी डीआर होगा 57 और यहां पर भी डीआर होगा 57। देखो यहां माइनस का साइन है, यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस है, यहां माइनस, ठीक है। अब बच्चों देखो, 19 के टेबल में 57 कितनी बारी में आता है, 3 बारी पे आता है। इस 3 को ऊपर वाले 8 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 8 24। चलो बच्चों देखो, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आएगा, भाई 1 बारी में आएगा। इस 1 को ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई, 1 2 2। चलो बच्चों ध्यान से देखना, अब डीआर सेम हो गए हैं, तो जो आंसर आएगा उसका डीआर भी क्या होगा, 57 ही होगा, है ना। यार 24 कह रहा मुझे माइनस कर दो और 2 भी कह रहा मुझे माइनस कर दो, ये कह रहा माइनस करो, ये भी कह रहा माइनस, सेम कमांड है। और सेम कमांड में हमेशा जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, इन दोनों को जोड़ूंगा 26 आएगा। देखो 24 और 2 को जोड़ दिया 26, लेकिन इस आंसर पे साइन किसका आएगा, जो इन दोनों में होगा बड़ा। देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा तो 24 दिख रहा है ना, और उसके उधर साइन किसका, माइनस का, माइनस का साइन, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, याद रखना, ठीक है। रिजल्ट पे साइन किसका लगता है, जो इन दोनों में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो प्लीज बच्चों आप इसे कर लीजिए। तो बच्चों अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा, तो बाकी के पार्ट्स हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।